गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर सेंसेस एंड सैम्पलिंग मेथड। तो आज इसका टॉपिक हम करेंगे टाइप्स ऑफ यूनिवर्स और पॉपुलेशन, मींस यूनिवर्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो यूनिवर्स मींस क्या था, जिसमें टोटल पॉपुलेशन इंक्लूड होती है। मींस जैसे एक स्कूल में 2000 स्टूडेंट्स हैं, तो वो 2000 के 2000 जो स्टूडेंट्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्स और पॉपुलेशन। इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, तो फर्स्ट टाइप है फाइनाइट यूनिवर्स। फाइनाइट यूनिवर्स मीन्स जिसको हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, उसको क्या बोलते हैं, फाइनाइट यूनिवर्स। इट इज़ द यूनिवर्स वेयर नंबर ऑफ यूनिट्स इज लिमिटेड, जिसमें जो नंबर ऑफ यूनिट्स है वो लिमिटेड होती है और फाइनाइट होती है। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, एक स्कूल में लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं, ऐसे नहीं भी अनलिमिटेड हो, तो वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो गए, फाइनाइट यूनिवर्स। नंबर ऑफ टीचर्स इन अ स्कूल, स्कूल में टीचर्स भी लिमिटेड होते हैं, बिकॉज दीज आर लिमिटेड एंड कैन बी गिवन अ नेचुरल नंबर, तो इसको हम नेचुरल नंबर दे सकते हैं, मीन्स काउंट कर सकते हैं। सेकेंड टाइप इनफाइनाइट यूनिवर्स और पॉपुलेशन। इनफाइनाइट जिसको हम कलेक्ट नहीं कर सकते, मीन्स जिस डाटा को हम काउंट नहीं कर सकते। इट इज़ अ यूनिवर्स वेयर नंबर ऑफ यूनिट्स आर इनफाइनाइट, मीन्स जिसमें अनलिमिटेड नंबर्स होते हैं और कैन नॉट बी काउंट, और उसको हम काउंट भी नहीं कर सकते। सच एज नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई, अब स्टार्स है उसको काउंट नहीं कर सकते, तो ये कौन सा हो गया, इनफाइनाइट यूनिवर्स। थर्ड टाइप है एग्जिस्टिंग यूनिवर्स। नेम से क्लियर है, एग्जिस्टिंग मीन्स जो पहले से मौजूद है। मान लो एक स्कूल है, स्कूल में बच्चे हैं, तो वो एग्जिस्टिंग यूनिवर्स है, मीन्स जो पहले से है, उसको हमें कोई एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, जो पहले से काउंटेबल है। इट इज़ अ यूनिवर्स विच ऑलरेडी एग्जिस्ट विद नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स जो पहले से ही हैं। एग्जाम्पल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन प्लस वन क्लास, प्लस वन क्लास में मान लो 40 स्टूडेंट्स हैं, तो वो क्या हो गया, पहले से ही है, वो क्या हो गया, एग्जिस्टिंग यूनिवर्स। और नंबर ऑफ बुक्स इन अ लाइब्रेरी और पीपल ऑफ अ कंट्री, हियर स्टूडेंट्स बुक्स पीपल आर सच एग्जाम्पल, तो ये स्टूडेंट्स क्या हो गए, एग्जिस्टिंग हो गए, जो पहले से ही है। एक्सपेरिमेंट यूनिवर्स, एक्सपेरिमेंट यूनिवर्स जिसमें हम कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, मीन्स काउंट नहीं कर सकते, लक होता है जैसे कि, ठीक है, कोई भी नंबर आ सकता है, तो उसको हमें एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ता है। इट इज़ अ यूनिवर्स विच इज़ द प्रोडक्शन ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। इफ़ गेटिंग सिक्स्ड एज एन अनवाइज्ड डाइस, एक डाइस है उसमें वन से लेके सिक्स तक डिजिट्स हैं, तो सिक्स लेके आना, तो वो हमारा लक भी हो सकता है और सक्सेस भी हो सकती है। एंड इट इज़ थ्रोन 50 टाइम्स, तो हमने उस डाइस को 50 टाइम्स टॉस किया, तो मान लो उस 50 टाइम्स के बाद सिक्स डिजिट आना, तो ये क्या हो गया, एक्सपेरिमेंट यूनिवर्स, क्योंकि हमने उस डाइस के साथ एक्सपेरिमेंट किया, देन इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल यूनिवर्स। दिस यूनिवर्स इज इनफाइनाइट, इसको हम इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कितने नंबर ऑफ टाइम्स हमें उसे टॉस करना पड़े और फिर वो नंबर आए, बिकॉज देयर इज नो लिमिट ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स द डाइस इज अ थ्रो, डाइस को थ्रो करने की कोई भी नंबर या लिमिटेड नहीं है। तो ये फोर टाइप्स हो गए, फाइनाइट जिसको हम काउंट कर सकते हैं, इनफाइनाइट जिसको काउंट नहीं कर सकते, एग्जिस्टिंग जो पहले से ही है, एक्सपेरिमेंट जिसको हमें एक्सपेरिमेंट करना होता है और पहले से नहीं होती। तो ये तो होगी टाइप्स ऑफ यूनिवर्स। आगे देखो थर्ड पॉइंट है सैंपल। सैंपल नेम से क्लियर है, मीन्स किसी यूनिवर्स में से, टोटल में से कोई सैंपल उठाना। मान लो यहाँ पे 100 टर्म्स है, 100 में से 5 को लेना, तो ये कौन सा मेथड हो गया, सैंपल मेथड। एज स्टार्टेड इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर, वी मे गेट एवरेज हाइट ऑफ अ स्कूल टेकिंग 5 स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच क्लास, सभी क्लासेस में से 5 स्टूडेंट्स को लेना, तो वो 5 स्टूडेंट्स को हम क्या बोलते हैं, सैंपल, और इस मेथड को क्या बोलते हैं, सैंपलिंग मेथड। इस सैंपल इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स, इस यूनिवर्स का सैंपल एक हिस्सा होता है। विच कंटेन्स द क्वालिटीज ऑफ यूनिवर्स, सभी की क्वालिटीज होती हैं जब सेम नेचर के हो। मान लो एक स्टूडेंट्स के, एक क्लास के बच्चे हैं, तो सभी की एज सेम ही होगी, अप्रोक्सीमेट 15 से 17 के बीच, ऐसे ऐसे सेम एज ग्रुप के ही बच्चे होते हैं, तो वो क्या होगी, सभी की क्वालिटीज अप्रोक्सीमेट सेम ही होती हैं, तो उसमें से हम सैंपल चूज कर सकते हैं। अब देखो मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन,
टू मेथड्स हैं, सेंसेस भी हो सकती हैं, सैंपल भी हो सकते हैं। सेंसेस मैंने आपको बताया था जब हम सभी यूनिट्स को मेज़र करते हैं, और सैंपल मेथड में जब हम कुछ यूनिट्स को मेज़र करते हैं, तो वो हो गया सैम्पलिंग मेथड।